और मवेशियां थी उनको दूसरे गांव में पानी पीने के लिए छोड़ना पड़ा। ऐसी मजबूरी आज आजाद भारत देश में आ गई है। क्या इस दिन को देखने के लिए हमारा देश आजाद हुआ था? क्या यह दिन देखने के लिए हमने लोकतंत्र की विजय का पर्व बनाया था? दूध डेयरी दूध नहीं ले रही है। क्या दूध हमारे लोगों का शासकीय डेयरी दूध नहीं ले रही है, ना दूध दे रही है? ये कैसा न्याय है हमारे समाज के साथ में? ये रविदास समाज शुरू से मूल निवासी समाज यहाँ पर रहा है, सेवा भावी समाज रहा है, निर्विवाद समाज रहा है, शुरू से अपनी मेहनत कश और मजदूरी के लिए जाना पहचाना जाता है भलाई और चमार समाज। आज हमारे समाज के साथ ऐसा अत्याचार और ऐसा शोषण हो रहा है। मैं आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से यह बात आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि कुंडीखेड़ा गांव महतपुर तहसील का और महतपुर तहसील जिला उज्जैन की, यहाँ पर तहसीलदार खुद आए थे समझाने। जब तहसीलदार यहाँ पर दबंगों को समझा रहे थे, स्वर्ण वर्ग के लोगों को समझा रहे थे कि भाई आपस में भाईचारे से रह लो, तो उन्होंने बोल दिया यहाँ पर संविधान नहीं चलेगा, यहाँ गांव की परंपरा को तोड़ा गया है दलितों के द्वारा, रविदास समाज के द्वारा परंपरा को तोड़ा गया है। उन्होंने दूल्हे को दलित दूल्हे ने जो बारात निकाली है वो हमारी नाक काटने के बराबर है, हमारे गौरव को खत्म करती है, इसलिए यहाँ पर इनसे किसी प्रकार का लेन देन नहीं होगा, किसी प्रकार का संवाद नहीं होगा, और यहाँ तक कि गांव में प्रवेश तक वर्जित कर दिया गया है इन माता बहनों का। आप पानी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पीने का पानी, ये माता जी के का गांव है 4 किलोमीटर दूर, ये माता जी के गांव में जाते हैं पानी भरने, और उसके बाद में यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर है, शासकीय मंदिर है। 14 तारीख को बारात निकली और 15 तारीख को सरकारी मंदिर से यह घोषणा हुई है कि भले ही चमारों से किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करे, और यदि कोई लेन देन करता है तो उसको जाति के बाहर कर दिया जाएगा और 1000 रुपए जुर्माना लगा।